Music. इसको बोला मैंने चल उठ जा, तो ये बोलता है कि नहीं हाफ एन आवर और सोते हैं एंड फिर हम उठ के चले जाएंगे। बट फिर क्या हुआ, हम हाफ एन आवर सोए तो फिर ना इसकी आँख खुली ना मेरी आँख खुली, एकदम से 9:30 पे मेरी आँख खुली। फिर मैंने जाके उन्हें उठाया, मैंने कैब वाले भैया फ़ोन करा, उनको बोला कि थोड़ा वेट करो हम आ रहे हैं नॉन सब। सो यही सब हुआ एंड सुबह सुबह मेरा ड्रायर भी खराब हो गया। ड्रायर बहुत मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे बहुत फ्रीजी हेयर है और बिना ड्रायर के मेरे हो ही नहीं सकते। हाँ तो ये निकल गया, तो मतलब मेरे को ड्रायर चाहिए होता। फिर जैसे जैसे परी के पास एक ड्रायर था वो कम वॉट का था, बट स्टिल आई मैनेज फ्रॉम इट। कुफरी जा रहे हैं एंड 7 साइड सीज दिखाएंगे हमें, ऐसा क्या बल भैया ने बोला एंड बाकी देखते हैं। अभी सबसे मिलवाते हैं आपको एंड सबसे पहले तो यही है जो मेरे ही रूम में है। तेरे चक्कर में लेट उठाऊंगा नहीं, उठाया था मैंने इस बंदे को, ही वॉज नॉट रेडी टू बी अप, सो व्हाट कैन आई डू। सो मिलवाते हैं आपको सब लोगों से जस्ट अ सेकेंड। ये था जो ड्रायर इसने खराब करा था, इसके कैप निकल गई थी, इसने नहीं विशाल ने करा था, बट साहू था टेक्नीशियन, ये ग्रुप का टेक्नीशियन है, कुछ भी जुगाड़ वाला काम करवाना होता है तो यही करता है, देखना भी कर दूंगा ये कर देगा। चलो कोई ये एज यूजुअल जैसे भरता रहता कंपनी देने वाली, ये तैयार ही नहीं हुए। कब तक तैयार हो गए तुम? फोन पर फोन आ रहे हैं, जल्दी जल्दी तैयार हो। चाय पी लो। इसने हमारे रूम की चाबी खोली और अब हम रूम खुला छोड़ के जा रहे हैं और अब हम अपना रूम छोड़ के जा रहे हैं। लास्ट में सब कुछ खुला पड़ा है, बहुत कुछ बंदे की वजह से। अच्छा भैया को बोल देंगे। चलो तो गाइस हम टैक्सी पर तो पहुंच चुके हैं एंड अभी हम टैक्सी से जा रहे हैं एंड फिर देखते हैं हम कि कहां कहां भैया ले जाने वाले हैं। और आप ही भैया तो भैया हैं, भैया करा दिया हमने बहुत वेट, तो सॉरी इसके लिए। अभी चलते हैं एंड देखते हैं कहां कहां जा रहे हैं। सो गाइस हिल्स में एज यूजुअल जैसा ट्रैफिक होता है वैसे ही ट्रैफिक है। अभी इससे देखते हैं कितनी देर बाद निकलते हैं। भैया कितनी देर तक लगता है ट्रैफिक? थोड़ा सा 2 या 5-4 मिनट लग गया, बस स्टैंड है थोड़ा सा। इधर का मेन्यू है एंड ये भैया हमें बता रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं कि आपको कितने चार्जेस एंड ऑल सब। पहले तो यह है कि यहाँ से हॉर्स के ऊपर जाना होगा। तो गाइस जो चार्ट था, जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था, वो इट कॉस्ट अराउंड 4,000 something 500 हॉर्स का है एंड उसके बाद क्या था, उसके बाद अगर हमें मतलब शेयरिंग में एडवेंचर ना 6 or 7 एडवेंचर स्पॉट्स से, तो एक बंदा सब तो नहीं कर सकता, तो हमने फिर शेयरिंग वाला कर लिया। तीन को ही कर सकता है एंड इफ़ अगर हमें मतलब एक ही जैसे ज़िपलाइन मेरे को भी करनी है, विशाल को भी करनी है, ऐश्वर्य को भी करनी है, तो हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं। और ये फिर अभी घोड़े वोड़े पे भैया लेके जा रहे हैं एंड घोड़े वोड़े पे पहुँच के फिर देखते हैं। मैं तो पहली बार बैठा हूँ हॉर्स वगैरह पर, मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम है। घोड़े की क्या रेट है? अभी चले आ रहे चले आ रहे चले आ रहे, तो मिलते घोड़े पे। परी कहाँ गई? बाबा परी पीछे ही। तो हाउ यू फीलिंग ब्रो? फर्स्ट टाइम घोड़ा, फर्स्ट टाइम घोड़ा। सो गाइस यहां पे फर्स्ट टाइम है मेरा। गंदे घोड़े में आर्मी बैठ। अरे इसे लेके आया, पीछे रह गई। तुम मोहब्बत में पता नहीं कौन सी आशिकी की बातें करने लगते, तुम्हारी समझ में आती। टाइम से चले करो। हेलो, जिसका भी फोन आया था, जिसके इसने फोन पिक करा था, वो मेरे ही पापा का फोन था और नंबर इसका सेव नहीं था। बोल रहा तो अभी इसको डांट खाने को मिल रही है।
फिर आप लेके चलोगे ना? कितनी गाड़ी है मेरे को लेके? ये भाई मिल रही है ये ऐसे बनाओगे सोच रहा। सो गाइस दिस इज फॉर माय फर्स्ट टाइम, आई एम ऑन हॉर्स। ओए 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 मेरे पीछे आओगे, मेरे पीछे आओगे, ओला गिर गया गिर गया। साहू का हॉर्स थोड़ा मिसगाइड हो रहा है। अरे थोड़ा सा इधर, अरे इधर सबके इतनी साइड साइड में चल रहे हैं भाई, क्या कर रहा है परी? पर तू गाय जाएगी नीचे? सब चीज ठीक थी बट सबके शूज मतलब हाँ, और सबके शूज खराब हो गए। चली जा बताओ भैया, आप बताओ। अच्छा इसके क्या हो गया, इसकी जीन्स पे? अरे बता दो, अरे सरवाल बताओ ना, जैसे पेंट वेंट। अरे बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ यार तू सरवा रहे हो, बताओ। मकान में पेंट वेंट कर रहे होंगे ना? पेंट का काम कर रहे, घोड़े का। और हमारा तो यही तक का सफर था, अभी ऊपर चढ़ना तो थोड़ा एक मिनट या। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं, लाइक मेरे को तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बट ये लोग आते हैं तो बताते हैं एक्टिविटीज करते हैं नहीं करते, बट हाँ करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। जिसको कराना आप करा सकते हो, एंड ये भी है, ऐसे भी आप फोटोज क्लिक करा सकते हो। इसका आई गेस सो 50 रुपीस कुछ समथिंग चार्जेस है। धीरे-धीरे सिटी फॉरेस्ट वाली फीलिंग भी आ रही है, है ना? गाजवादी। अरे भैया कैसे खाऊं यार, ये चिल्लाया जा रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? कैमरा मारो मुंह पे। चलो गाइस थे थोड़े इधर, जो हमारे पीछे बिल कटा था, आई मीन नीचे डाउन साइड पे जो बिल कटा था, वो हमें यहां पे दिखाना था, एंड उन्होंने बोला कि कोई ग्रीन टेंट उधर लेके वो वाला, उसके पीछे वो जो कार होती है लेके जाती है वो है, एंड आई विल शो यू दैट। तो यहाँ भी सभी लोग वीडियोस बनाते हैं, मैंने बना ली, इसने बना लिया ऑलरेडी, आई मीन लाइक 6-7 ये बना के बैठी है, और अभी इसने उसके साथ भी बनानी है, तो मतलब डेस्परेट वीडियोस के लिए। सो मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई अभी और भी जगह जाना है, आप लोग वहाँ भी बना सकते हो। अरे ब्रो बट तू यहाँ कितनी बनाएगी? तो कुछ नहीं कर सकते हम इसका, सच में ये लाइक मतलब छोड़ो, इसको सावी जलता वही जलेगा। हम जा रहे हैं अभी यहाँ से, हमारा काम खत्म होते ही हम निकल रहे हैं, मतलब जो वैन थी जिसमें हमने जाना था वो हमारी वीडियोस बनाने की वजह से वो निकल गई, और अब जब दोबारा आएगी तो तभी हम उसको दोबारा से पकड़ेंगे और फिर चलेंगे। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट एडवेंचर स्पॉट पे, जो है जिप लाइनिंग। आई डोंट नो व्हाट टू से दैट, वी गोना डू दैट। सो मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या होती है। Are you excited for that? अरे ऐसे चला जाता तेरा यार। Are you excited bro? मैं नहीं कर रहा, पागल है तू, तो उसकी ना है। अभी अभी वो रुक जा। तो आज मेरे को तो बहुत नर्वसनेस हो रही है, लाइक मैं पहली वाली चीज़ तो जिप लाइनिंग जो भी है तो मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ी नर्वसनेस हो रही है, पर मैंने करनी ज़रूर है, और तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पर गाइस आरबी वर्ल्ड जा रहा है ज़िपलाइनिंग करने, सबसे पहले साहू गया था, सबसे पहले साहू मतलब आरबी जा रहा है। सो गाइस आरबी जा रहा है ज़िपलाइनिंग करने, और मैं भी करूंगा और आयशी भी कर रही है, तो आप लोग ब्लॉग में देखना कि कैसे क्या हुआ आगे। आपने देख ही लिया मतलब पिछले डेक में मैं कैसे गया था, आई मीन लाइक पहले थोड़ा बहुत नर्वस हुआ था, बट फिर जब थोड़ा मिडल में आना, मिडल ऑफ द दिस रॉक, तो फिर सब नॉर्मल हो गया था। और ये विशाल आया, तेरे को कैसा लगा? मेरे तो कुछ हुआ ही ना भैया, मजा आया लेकिन। और परी चिल्लाती जा रही है, परी के ब्लॉग में। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं ज़िपलाइनिंग से, और अभी हम जा रहे हैं क्या है, अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो, शाहरुख खान हो क्या, सीधा करो। हम जा रहे हैं क्या है, चली गई
और अब ड्रामे कर रही है, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। इसको यहाँ गिरना है अभी अभी। मेरा मन लाइक पता नहीं है नहीं, मैं करूंगा नहीं, पर ये तो कर नहीं रहा। लुक एट हर फेस एक्सप्रेशंस। भगवान के नाम ले रही है। मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई। भैया छोड़ दो। अबे पैर सीधे कर ऊपर हवा में। कितने बारात है कितनी गिर चिल्ला। कूद रहा है। सो गाइस ऊपर से तो हम अभी नीचे आ चुके हैं एंड अभी हमने भैया से पूछा था कि मतलब और कोई अच्छी जगह है जाने की, तो उन्होंने बोला एक जू वगैरह। तो ये लोग बोलने लगे कि जू तो हम दिल्ली में भी देख लेंगे नॉर्थ सब। तो परी बोल रही है कि मतलब उसको जाना का तिब्बतन मार्केट है, हाँ वुडन क्या कुछ मिलता वगैरह। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और उधर से ऊपर से नीचे आ गए और ना रास्ते में बहुत मतलब मडी मड हो रखा था क्योंकि बिकॉज रेनी सीजन है एंड ऑल सब, तो हो जाता है थोड़ी बहुत स्मेल भी आ रही थी रास्ते में। बजट सोके एंड सो चलते हैं और मिलते हैं। बाय बाय। सो वेलकम बैक। सो गाइज लाइक हुआ ये था कि हम जब वो लाइक वो जो क्या था वो जो मतलब रोप से लटक के जा रहे थे जो भी था मैं भूल गया। बट उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे ना रेन स्टार्ट हो गई थी और मैं थोड़ा गीला हो गया था, मतलब भीग गया था उसमें। सो मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी उसके बाद, फिर मैंने कैमरा बिल्कुल भी नहीं निकाला। लाइक उससे नीचे आने के बाद फिर हम कार में जब भी आए थे उसके बाद फिर मैं तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने कैमरा बिल्कुल निकाला ही नहीं। सो यही था आज हमारी वीडियो में। इफ यू गाइस लाइक इट सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ऑन इट, कमेंट इट एंड शेयर ऑन दिस YouTube वीडियो विद योर ट्रैवल बडीज एंड ट्रस्ट मी गाइस इट्स वर्थ इट। सो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, होप यू गाइस लाइक इट एंड कल हम लोग, अभी हमारा डिसाइड नहीं है कल, लाइक यहाँ पे शिमला में एक टॉय ट्रेन चलती है हमें, लाइक मैंने सुना है उससे व्यू बहुत बेस्ट आता है अगर हम लोग उससे जाते हैं। तो इफ सपोज हम उससे जाते हैं तो मैं कुछ शॉर्ट्स डाल दूंगा उसके हमें व्यूज वगैरह के, बट एफ एम उससे नहीं जाते तो हम इस लोग को अभी एंड करते हैं। तो जल्दी जाओ और जिसने अब तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया सो डू फॉलो मी नाउ, क्योंकि मैं यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ और वहाँ लाइक हम ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं मैं और मेरी पब्लिक दोनों। सो यार कीप गोइंग। सो बाय।